ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारी टीम हारेगी. ऑब्वियसली हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर इंडिया हारेगी. तो विराट कोहली और MS धोनी नहीं थे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वजह? हाँ, ऑब्वियसली अगर विराट कोहली जो इंडिया के इस टाइम पे आएगी कैप्टन है, इससे ऑब्वियसली टीम इफेक्ट होगी. अगर टीम में कैप्टन ही नहीं खेलेगा और MS धोनी जो हमारे एक्स कैप्टन रह चुके हैं और जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, जो क्रिकेट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो टीम लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट होगी. और वैसे आप हार को किस तरीके से देखते हैं? यार इट्स अ गेम, तो हार और जीत तो लगी रहती है, तो हम इसे एक सीख की तरह देख सकते हैं कि हम प्रेफर करें कि हम ज़्यादा बेटर तरीके से खेलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें चांस मिले तो जो हमें कमी आती है वो हम इम्प्रूव करें. देयर ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट. नो फीलिंग तो अच्छी नहीं होती है, पर अपनी तरफ से वो बेस्ट दिया, उन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट किया है, पर उन्हें थोड़ा सा मलाल तो है कि इतने कम स्कोर पे आउट हो गए. पर ये है मेरे माइंड में, अगर धोनी होते तो शायद 200 तक रीच कर सकती थी, पर चलो अगर नहीं है तो टीम को इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए अपने प्लेयर्स की भी. तो मैच चलो आगे अगर राइज करेंगे 5th मैच में, हम देखते हैं कैसा परफॉर्म करेंगे. टीम पे गुस्सा आता है या बुरा लगता है या कैसी फीलिंग होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. टीम पे गुस्सा आने की तो बिल्कुल ही बात नहीं है. जिनको आता है उनके लिए भी इट्स लाइक अ मैसेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट प्लेइंग, सो यू कैन नॉट एक्सपीरियंस व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग. सो मे बी इट्स सम काइंड ऑफ प्रेशर और समथिंग, तो यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न व्हाई दे हैव लॉस्ट द गेम. तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते बैठ के किसी को. सो आई थिंक बुरा लगने गुस्सा आने की बात नहीं है. विराट कोहली और आपका MS धोनी वो कल के गेम में नहीं थे, आप उसको वजह मान सकती हैं कहीं तक कि शायद इनकी वजह से हम लोग विन नहीं कर पाए? हो सकती है वजह, क्योंकि सी अगर कैप्टन होता है टीम में तो एक मोटिवेशन का सोर्स होता है कि कैप्टन इज़ विद अस, एंड MS धोनी तो ऑब्वियसली इज़ सच अ बिग इंस्पिरेशन, सो ऑब्वियसली उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता होगा टीम मेंबर्स पे. तो आई थिंक हो सकता है, इट्स नॉट श्योर बट हो सकता है. देखिए हम बुरे तरीके से तो हारे, बट मेरे ख्याल में कई बार आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी कुछ हो जाता है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून. सो इतना इशू उठाने वाली बात है नहीं है कि जितना हम वो कर रहे हैं, कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं. और अदर हम अगर इस मौके पे डीमोटिवेट करें कि हमें ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है, तो आई डोंट थिंक कि एज ट्रू फैंस हमारा ये फर्ज बनेगा. आई गेस वी शुड मोटिवेट आवर टीम टू परफॉर्म बेटर द नेक्स्ट टाइम. नहीं, आपको नहीं लगता कल विराट कोहली नहीं थे और MS धोनी नहीं थे, टीम का जो बैकबोन है वही नहीं था कल, आप जी वहाँ तक जिम्मेदार मानते हैं? सीनियर प्लेयर्स का ना होना एक इशू हो सकता है कि हमारी हार का, बट आई गेस रोहित शर्मा, शिखर धवन भी एक बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. बाकी सी द थिंग इज़ कि अपना जब ओल्ड प्लेयर्स आते हैं तभी यंग प्लेयर्स को मौका मिल सकता है. अब जैसे शुभमन गिल है, उसको कल मौका मिला तो अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं अगर 9 रन पे वो आउट भी हुआ है, बट ऐसे ही वो आगे रेस करेगा कि अब कब तक. MS धोनी भी 2019 के बाद जाएंगे ही जाएंगे, विराट कोहली के सिर पे हम कितना प्रेशर डाल सकते हैं. तो यही कल वो था कि अगर कोहली ना हो तो ये सब हो सकता है, तो इंडियन टीम शुड टेक मेजर्स टू अवॉइड सच सिचुएशंस. लेकिन रोहित शर्मा और शिखर धवन के होते हुए 92 पे आउट हो गए. 92 तो बहुत बुरा स्कोर था. खैर तो अब इसको किस तरीके से, इस चीज़ का ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे भले बैटिंग कंडीशंस को उठा नहीं पाए, शायद थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं. तीन मैचेस जीतने के बाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था उनमें, बट दैट वुड टेक देम टू द ग्रास लेवल कि नहीं, यू हैव टू ग्राइंड एंड राइज, तो तभी हम सीरीज जीत पाएंगे. चलो 5-0 का वाइट वॉश तो नहीं हो पाएगा, होपफुली वी कैन मेक इट टू 4-1. समटाइम्स वी विन, समटाइम्स वी लूज, ऐसा कोई बुरा तो नहीं लगता मुझे ऑनेस्टली, बट स्टिल कोई बात नहीं, चांसेस होते हैं, कभी कभी वो होता है, लक होता है, नहीं जीत पाते. आई टोटली एग्री कि जब कैप्टन नहीं होगा तो फिर एक मोटिवेशन टीम को साथ में बांधने वाला कोई एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो नहीं होगा, एबसेंट होगा, तो उसकी इंडियन टीम हारती है तो कैसी फीलिंग होती है? तो दुख तो ऑब्वियसली होता है, बट हार और जीत तो मतलब लाइफ का ही पार्ट है, तो उसको कभी इतना सीरियसली तो लेना नहीं चाहिए बिल्कुल. और बस और जो मैदान में क्रिकेटर्स खेलते हैं कभी उन पर गुस्सा आता है आपको? नहीं नहीं, मुझे गुस्सा रिस्पॉन्सिबल बढ़िया से नहीं परफॉर्मेंस दे पाए. नहीं देखिए, ये तो हम सब को ही पता है कि वी कैन नॉट ऑलवेज परफॉर्म एट अ कॉन्स्टेंट लेवल इन आर लाइफ, ऊपर नीचे तो हमारा भी परफॉर्मेंस होती रहती है. तो जब ऐसे तो जब हमारे मार्क्स खराब आए तो पेरेंट्स का गुस्सा आना भी जाहिर ही है, पर वो तो नहीं एक्सप्रेस करते ना इतना कुछ आजकल के ज़माने में, तो फिर इट इज़ फाइन, मतलब इतना कुछ गुस्सा आने वाली बात तो नहीं है. क्या लगता है क्यों हार गई टीम इंडिया? कि टीम इंडिया हारी, उसके पास जो ओपनर थे वो तो पहले चले नहीं,
और जो टीम के मुख्य स्तंभ थे धोनी, विराट कोहली, इन लोगों को आराम दिया गया है इसी के चलते हुआ। और ख़ास करके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे इंडिया के, उन्होंने अच्छा नहीं किया। खैर ये मैच है, होता रहता है, इससे बेटर अगले वाले मैच में हम लोग करके दिखाएंगे। हाँ तो उन ये अच्छी बात है कि छोटे प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो भी मैच खेल सके, और आगे अगर इन द प्रेशर हमें कोई ना अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उनकी जगह वो प्लेयर फिट बैठ सके, उसलिए उन्हें ट्रेन करने के लिए ताकि फ्यूचर टीम हमारी अच्छी हो। इसलिए मैंने गुस्सा क्यों आता है, प्यार आता है, हर चीज़ चलती रहती है। अपने देश से प्यार है तो टीम इंडिया से प्यार रखना चाहिए। ये नहीं है कि वो जीत रहे हैं तभी प्यार करो, हार रहे हैं तभी भी उनका सपोर्ट करो। उनको असली सपोर्ट तो उन्हें तभी चाहिए होता है जब हार रहे हैं, तब जीत रहे तब तो कोई नहीं सब बोल देते हैं, लेकिन जब हार रहे हैं तभी तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें। तो उस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए। हारना जीतना इज अबाउट ओनली द गेम, इट्स नथिंग कि उसमें बहुत बड़ा क्योस मचाने के लिए। आई डोंट थिंक सो, मैं मैच नहीं देखता और मुझे लिटरली कल का जो गेम था उसमें विराट कोहली और धोनी नहीं थे, तो क्या आपको लगता है ये वजह भी हो सकती है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑब्वियसली नए लोग आएंगे तो उनको ट्राई तो मिलना ही चाहिए। कब तक हम विराट कोहली और धोनी पे टिके रहेंगे? ऑब्वियसली नए लोग आएंगे, उनको चांस मिलेगा तभी तो प्रूव कर पाएंगे। ऐसे तो मोदी भी अब आया ना तो उसने प्रूव किया है, वरना हम सोनिया गांधी पे टिके रहते तो हो जाता। तो इट्स लाइक नॉर्मल। हार को कैसे किस तरीके से देख? नॉर्मल, फाइन, हार के अगली बार जीत जाना, दैट्स इट। जीत तो स्पोर्ट्स में चलती रहती है, बट उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कि कल जीतेंगे और सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं। कॉन्फिडेंस नहीं था आपको? नहीं लगता तीन मैचेस पहले जीत गए थे फिर चौथा हार गए? नहीं, वो शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट में हमारा कैसा रहेगा। अगर ऑब्वियसली फॉर द फ्यूचर लाइक कुछ सीनियर प्लेयर नहीं होंगे तो फ्यूचर में उनको कैसा करना है, तो दे आर ट्राइंग एंड नॉट सक्सेसेड माइट बी इन द नेक्स्ट गेम दे विल सक्सेस। दैट हारती है तो कैसी फीलिंग होती है हमारी? बुरा ही लगता है ऑब्वियसली। क्या वजह मानते हैं आप? कल विराट कोहली भी नहीं थे। हाँ बस यही है कि जो मेन प्लेयर थे वो नहीं खिलाए, बस यही वजह है उनकी। क्या लगता है ओवर कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं तीन मैचेस पहले जीते? हाँ ऐसा कह भी सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि विराट सर नहीं खिलाए, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर नहीं खिलाए, छोटे छोटे खिला लिए, क्योंकि हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस ही एक तरह से। मतलब यही कहना चाहूँगा, मतलब रेस्ट दिया गया तो सही था, रेस्ट भी ज़रूरी है। रेस्ट की वजह से हार गई है तो कोई हार गए तो सीरीज तो अपने मतलब फेवर में थी ना, सीरीज तुम जीत चुके थे तो क्या लगता है जीत गए तीन मैचेस? तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये वाला भी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, मतलब रेस्ट देना था उन्हें, उन्होंने मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो नहीं हुआ, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। तो वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है कभी, मतलब लगा नहीं था, और कल का मैच में भी इंजॉय नहीं किया था, बस रिजल्ट ही देखा था। धोनी और विराट ने विराट को छुट्टी पे भेज दिया है, क्या मतलब आप एक वजह मानते हैं इसको हारने की? अब ये वजह तो नहीं हो सकता क्योंकि एक टीम ही पूरा, एक प्लेयर नहीं होता कि पूरा टीम को जिता पाए, सब होते हैं। अब ये बस एक का गलती नहीं हो सकता, सबका ही हुआ होगा। हार को आप किस तरीके से देखते हैं? जब इंडिया जीतता है या हारता है तो कैसी फीलिंग्स होती है? मैम फील तो बुरा ही होता है, हार गया अपना टीम, हार गया तो फील तो बुरा ही होता है।